बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता के हत्याकांड मामले में आज बिहार पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। यहाँ बिहार पुलिस ने जीतन सहनी हत्याकांड को लेकर के आज कई अहम खुलासे किए हैं और इसके बाद इस हत्याकांड से जुड़े हुए कई जो अब तक के पेच थे वो उसके बाद इस हत्याकांड से जुड़े हुए जो अलग अलग पेच थे उसमें आज बड़ा खुलासा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। और आपको याद होगा कि 17 जुलाई को जीतन सहनी की चाकुओं से गोद करके हत्या की गई थी। जीतन सहनी बिहार के प्रमुख राजनीतिज्ञ और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता थे। मुकेश सहनी जिस दिन उनके पिता की हत्या हुई थी उस दिन बिहार में नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनके पिता की हत्या की खबर सामने आई उसके बाद वे आनन फानन में मुंबई से बिहार पहुंचे और इस दौरान बिहार पुलिस ने भी जीतन सहनी हत्याकांड को लेकर के लगातार अलग अलग किस्म के अनुसंधान किए, जिसके बाद इस मामले में आरोपित जो अलग अलग लोग थे उन सब की गिरफ्तारी हुई। साथ ही साथ इस मामले में खुद बिहार के मुख्यमंत्री हों चाहे देश में की केंद्र सरकार हो, उन सब ने इस मामले में गंभीरता दिखाई और बिहार पुलिस इस मामले में कई किस्म के जो दबाव झेल रही थी उन तमाम चीजों को लेकर के आज पुलिस ने एक अहम खुलासा यह किया है कि जीतन सहनी की जिस हथियार से हत्या की गई थी, यानी कि चाकुओं से गोद करके जीतन सहनी की जो हत्या हुई थी, तो उस चाकू को भी बरामद करने में अब बिहार पुलिस सफलता पा चुकी है। दरअसल जीतन सहनी की 17 जुलाई को जब हत्या हुई तो उसके बाद बिहार पुलिस ने काजी मंसारी, इसके अतिरिक्त सितारे और छोटे लहरी को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ पुलिस ने मोहम्मद आजद को भी बाद में गिरफ्तार किया था। इन चारों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने घनश्यामपुर थाना के दरभंगा के जुड़े हुए मामले में माननीय न्यायालय से 2 दिनों के इन लोगों को रिमांड पर लिया और रिमांड पर लेने के बाद पुलिस के विशेष अनुसंधान की टीम ने चारों अभियुक्तों से लगातार पूछताछ की। इस पूछताछ के क्रम में यह भी पता लगाया गया कि आखिर इन लोगों ने किस हथियार से उनकी हत्या की थी और जीतन सहनी की हत्या करने के बाद उस हथियार का क्या हुआ। पुलिस के अनुसंधान में यह बात सामने आई कि जीतन सहनी की हत्या एक चाकू से की गई थी और बार बार उनके शरीर पर कई बार चाकुओं से हमला किया गया था, इससे उनकी दर्दनाक मौत हुई। तो पुलिस ने चारों अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर के जो पूछताछ की उसमें उस चाकू का पता लगाया जिस चाकू से उनकी हत्या की गई थी। साथ ही साथ आपको हमने पहले भी बताया है कि जीतन सहनी की जो हत्या हुई है इसमें पुलिस ने अपनी पूछताछ में जो खुलासा किया है उसमें यह भी बताया था कि जो अभियुक्त हैं इन अभियुक्तों ने जीतन सहनी से उधार पर पैसे लिए थे और ब्याज की रकम को चुकाने और साथ ही साथ मूल राशि को लौटाने को लेकर के जीतन सहनी के साथ उनका विवाद था और इसी वजह से जीतन सहनी की हत्या हुई थी। तो जीतन सहनी की हत्याकांड में अब पुलिस ने एक बड़ी सफलता के तहत पहले तो चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उसके बाद अब उस हथियार को यानी कि उस चाकू को भी बरामद करने में सफलता पाई है जिससे जीतन सहनी की हत्या की गई थी।